हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सर एंड एलिगेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो IBPS हो, रेलवे हो, SBI, RBI या UPSC CSAT एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो SSC दिल्ली पुलिस SI में पूछा जा चुका है। और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक मेथड जो है वो सीखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो ए वेसल इज़ फिल्ड विथ लिक्विड, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स आर सिरप। तो एक वेसल है जिसमें 2 लिक्विड्स हैं, उसमें 3 पार्ट वाटर का है और 5 पार्ट्स क्या है, सिरप का है, मिक्स्ड। तो ये हमारा क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो है मिक्सचर है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। तो इसमें से कितना मिक्सचर निकाला जाए एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, और इसको जो है हम लोग वाटर से रिप्लेस कर दें, ताकि मिक्सचर जो है उसमें हाफ वाटर और हाफ सिरप हो जाए। मतलब जो हमारा वाटर और सिरप का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन में एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो हमारा मिक्सचर है वो 3:5 रेशियो में है, 3 पार्ट वाटर का है और 5 पार्ट क्या है, सिरप का है। इसमें से मान लीजिए 1 लीटर मिक्सचर का निकाला जा रहा है। तो जब आप 1 लीटर मिक्सचर का निकालिएगा तो उसमें 3:5 रेशियो में आपका वाटर एंड सिरप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और उतना ही बचेगा अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते हैं किसी चीज़ से। लेकिन यहाँ पे 1 लीटर को निकाला गया तो हमारा जो वाटर और सिरप जो है वो 3:5 रेशियो में बाहर निकल गया, लेकिन जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही वाटर जो क्या है इसमें ऐड किया जा रहा है। तो जब इसमें उतना ही वाटर ऐड कीजिएगा तो रेशियो जो है उतना ही नहीं बचेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज रेशियो क्या हो जा रहा है, 1:1 का हो जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि आपने कितना मिक्सचर जो है वो निकाला था इससे, ठीक। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा टोटल मान लेते हैं वाटर जो है वो कितना है, 3 लीटर मान लीजिए, और जो हमारा सिरप है वो कितना है, 5 पार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 लीटर मान लेते हैं। अब देखिए, जब वाटर, जब मिक्सचर को निकाला जा रहा है तो इसमें से वाटर भी निकलेगा और सिरप भी निकलेगा, तो कितना वाटर निकलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो 1 लीटर निकाला गया, उसमें से वाटर कितना निकला, सो टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी जो है हमारा 8 लीटर है, उसमें वाटर कितना है, 3 लीटर है। और मान लीजिए हम लोगों ने 1 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला था तो उसमें वाटर का जो पार्ट निकलेगा वो 3/8 × x हो जाएगा। तो इतना क्या है, निकल गया। जब हम लोग मिक्सचर को निकाले तो इतना वाटर निकल गया, और कितना सिरप निकल जाएगा, देखिए टोटल पार्ट है 8, उसमें सिरप कितना पार्ट है, सिरप 5 पार्ट है, और हम लोग टोटल मिक्सचर कितना निकाल रहे हैं, x। तो उसमें से जो सिरप का जो निकलेगा वो क्वांटिटी वो कितना निकल जाएगा, 5x/8 लीटर सिरप का निकल जाएगा। तो अब बचा कितना वाटर, तो वाटर अगर हम लोग देखेंगे कितना बचा, तो 3 लीटर टोटल था, उसमें से हम लोग 3x/8 को निकाल दिए, और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो जब 1 लीटर ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर का क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगा, और सिरप कितना हो जाएगा, देखिए सिरप पहले कितना था, 5 लीटर था, उसमें से कितना निकाल दिया गया, 5x/8 निकाल दिया गया। तो ये जो हमारा क्वांटिटी है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सिरप इन न्यू मिक्सचर। ये जो हमारा न्यू मिक्सचर में हमारा जो क्या है, क्वांटिटी है, और न्यू मिक्सचर में जो ये क्वांटिटी है वो क्या है, 1:1 के रेशियो में है। मतलब दोनों का जो क्वांटिटी है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अब देखिए, वाटर हो गया 3 − 3x/8 + x इज इक्वल्स टू 5 − 5x/8। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 5x + 24 इज इक्वल्स टू 40 − 5x, और यहाँ पे हमारा जाएगा 5 + 5 = 10x, और ये 40 − 24 ये हमारा आ जाएगा 16। तो x जो क्या हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा। 16/10 को आप लिख सकते हैं 8/5। मतलब जो हम लोगों ने मिक्सचर निकाला था वो कितना था, 8/5 लीटर ऑफ मिक्सचर हम लोगों ने निकाला था। 8/5 लीटर जो है हम लोगों ने निकाला था, कितने में से, टोटल 8 लीटर में से। तो ये देखिए 8/5 × 8 हो जाएगा, सो 8 से 8 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह है कि 1/5 पार्ट जो है, ठीक, अगर आप पार्ट की बात करें तो 1/5 पार्ट जो है हम लोगों का
निकाला गया था और वही हमारा आंसर है। तो इसके जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस थे 1/2, 1/6, 1/5 और चौथा ऑप्शन था 1/7। तो कितना पार्ट इनका निकाला गया था, तो 1/5 पार्ट टोटल का, जैसे टोटल 8 लीटर है तो उसका 1/5 पार्ट निकाला गया था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आपको जो पार्ट कितना दिया हुआ है, 3:5 पार्ट दिया हुआ है बिगिनिंग में। यहाँ पर कितना है, 3:5 पार्ट है जो कि वाटर का है और सीरफ का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3:5, और बाद में कितना हो जा रहा है, जो फाइनल मिक्सचर जो है उसमें क्या हो जा रहा है, हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। देखिए, हाफ वाटर एंड हाफ सिरप का मतलब हुआ 1/2 वाटर एंड 1/2 सिरप। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 1/1 आ जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे 1:1 लिखा हुआ था। तो बाद में जो है, देखिए ये बिगिनिंग में था, 3 पार्ट वाटर का था और 5 पार्ट सिरप का था, और फिर जब इसमें से चेंजेज किया गया तो उसके बाद वाटर और सिरप जो क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम मिक्सचर में से 1 लीटर निकालेंगे या जितना भी निकालेंगे तो वो 3:5 के रेशियो में ही बाहर होगा। ठीक है, मतलब जो आप निकाल रहे हैं और उसके बाद जो बचेगा वो दोनों रेशियो सेम होता है अगर कुछ चेंजेज ना किया जाए तो। तो जो ये सिरप जो है, सिरप क्या है, हमेशा 5 ही रहेगा, 5 ही पार्ट में सिरप रहेगा, इसलिए क्योंकि बाद में हम लोग सिर्फ वाटर को ऐड कर रहे हैं, सिरप में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो सिरप जो है वो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, सिर्फ वाटर होगा। तो अब देखिए, 3:5 पार्ट यहाँ था और बाद में 1:1 हो जा रहा है, तो अगर हम लोग सिरप को सेम करें तो हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारा वाटर में चेंजेज हुआ और सिरप में कोई चेंजेज नहीं होगा, जितना पार्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, जो भी मिक्सचर हम लोग निकाल रहे हैं वो इसी रेशियो में हमेशा रहेगा, 3:5 के रेशियो में ही हमेशा रहेगा। तो सिरप वाला हम लोगों ने क्या किया, सिरप वाला हम लोगों ने सेम कर दिया, क्योंकि सिरप में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, बाद में हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, सिरप को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सिरप जो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 3:5 के रेशियो में ही रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि रेशियो को इक्वेट कर दिया। ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, वाटर में कितना चेंज हुआ, वाटर में चेंज हुआ 2 पार्ट, वाटर में चेंज हुआ 2 पार्ट का, और टोटल कितना है, 5 + 5 = 10। इसका मतलब क्या है, 1/5 पार्ट जो है वो चेंज हुआ था, वो ड्रॉन ऑफ हुआ था, वो निकाला गया था, और वही हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेंगे अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को समझ पा रहे हैं तो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था तो हमको 1/2 मिनट या 1 मिनट लग गया होगा, लेकिन आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा, 5 सेकेंड से ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं लगेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।